अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हुई है सुबह, मेरा ख्याल 1:30 बज रहा है, जुम्मे का दिन है। बस नाश्ता करके नमाज़ वगैरह की तैयारी होती है। और आप लोग सब लोग कैसे हैं? ठीक है। क्या हो रहा है? मेरा नाश्ता रेडी, आज कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा। तो रात की रोटी रखी हुई थी, तो तंदूर की रोटी फ्राई करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। पता नहीं आप लोग क्या खाई जाती है, ये नहीं खाई जाती। हमारे यहाँ तो जब भी रात में रोटी बची होती है तो हम इस तरह ऑयल में फ्राई करके ही खाते हैं, उसे बहुत मज़ेदार लगती है। इसका टेस्ट तो बस अलग ही है कुछ। यहाँ चाय बनाने रखती है। आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को इतने काम होते हैं ना, मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज नमाज वगैरह पंथूरा नमाज कुरान शरीफ वगैरह पढ़ना है मुझे। नमाज़ वगैरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, लेकिन ख़ास जुम्मे की नमाज से पहले तो पंथूरा और कुरान शरीफ पढ़ना ही होता है ना। बस ये रोटी हो गई है मेरी तैयार। रोटी कम पराठा, कुछ नहीं आते। नाश्ता है मेरा रेडी, आयान का और मेरा। तो मेरा यहाँ हो रहा है अभी नाश्ता, सिंपल सी रोटी और चाय मेरा नाश्ता हो रहा है आज। बस फ्राइडे है आज, थोड़ी सी मसरूफियाँ ज़्यादा होती है, अब देखते हैं क्या। बस है आज फ्राइडे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रमज़ान अभी से स्टार्ट हो गए हैं। आज इतनी शदीद धूप है बाहर कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शदीद गर्मी है। बाहर निकलने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन यहीं से लग रहा है कि बहुत शदीद धूप है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, बस धूप देखते हैं ज़्यादा कितनी है। मैंने कहा मैं ये पौधे देख लूँ अपने, क्या हाल है इनका, छोटे छोटे निकल रहे हैं साथ साथ। पुदीना भी सही चल रहा है। लहसुन को तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह निकलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को पता हो तो बताएं प्लीज़ मुझे कमेंट में कि ये लहसुन इसमें से किस तरह निकलेगा। इसमें तो ये पौधे इस तरह निकल रहे हैं, लहसुन कहाँ है? लहसुन वो उसने नर्सरी वाले ने तो मुझे ये कहा था कि इस लहसुन अंदर होता है, इसको अंदर से निकालते हैं। अब अंदर से निकालेंगे तो पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह निकलेगा। कड़ी लीस भी ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे लीस आ रहे हैं ऊपर, और ये पता नहीं क्या हो गया इसे टमाटर के पौधे को। ये तो यहाँ से मुरझा रहा है और बाकी ये टमाटर थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। एक टमाटर ये लगा हुआ है और एक और कहाँ लगा हुआ था पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। और मेरी वही प्लांट बेचारी पीछे हो गई है, उसकी सेटिंग करनी है आज मुझे कि उसको कहीं सही से रखूँगी, उसको मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। वरना उस पर तो ख़ास तवज्जो होती है, मनी प्लांट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो बेचारी पीछे चली गई तो मैं उसको देख ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। एलोवेरा मेरा रखा। और मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप हो तो ये सारे प्लांट कुछ ख़राब हो जाएँ, लेकिन उसने नर्सरी
पे, तो उस बंदे ने यही कहा था मुझे कि इनको धूप तो लगेगी तो जब भी सही रहेंगे ये, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए। अब यहाँ तो विंडो में बहुत ज़्यादा धूप आती है, अब पता नहीं क्या करूँ मैं, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी मैंने आज इन पर दिया नहीं है, अभी डालूँगी पानी। हरा धनिया और पुदीना तो छोटा छोटा निकल रहा है और ज़्यादा माशाल्लाह से। और बाहर भी इस टाइम सन्नाटा है, बहुत जुम्मे का टाइम है, इस वजह से भी सब लोग नमाज़ों के लिए इधर उधर बिजी होते हैं। ये क्यों मुरझा रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, इसका क्या होगा। लेकिन इसमें भी ये टमाटर के पौधे में भी छोटे छोटे से फ्लावर्स वो पत्ते निकल रहे हैं, देखते हैं। पहले इन पर मैं पानी डाल देती हूँ। अयान पढ़ रहे नमाज, इनमें इन सारे पौधों में पानी भी मीठा डालती हूँ, जो केन में हम लोग मंगाते हैं ना वो पानी में डालती हूँ। खारा पानी मैं इनमें यूज़ ही नहीं करी, क्योंकि उसने नर्सरी वाले ने कहा कि खारा पानी बिल्कुल भी इनको नहीं डालिएगा, पौधों को जला देता है खारा पानी और ना इनकी ग्रोथ होगी फिर। तो बस अभी फ़िलहाल आज अभी रमज़ान स्टार्ट है तो ग्रॉसरी करनी है। घर की सफाई तो मैंने मासी से एक दिन पहले, वो जा रही थी कहीं गांव जा रही थी कहीं ना, तो फिर मैंने उसे एक दिन पहले ही, जाने से एक दिन पहले ही, छबरात से एक दिन पहले ही मैंने करवाई थी सारी घर की सफाई, सब कुछ उसके साथ मिलके की थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा घर की सफाई तो करनी नहीं है, थोड़ी बहुत करनी होगी रमज़ान की। तो मासी का वेट कर रही हूँ, बस वो आ जाए, 10 दिन की छुट्टियों पर है तो वो आ जाए तो उसके साथ मिलकर करूँगी। तो ये काम भी मेरा बहुत हो जाएगा, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है घर क्योंकि ना, तो बस ग्रॉसरी का है मसला, उसके लिए जाना है, फिर वो सारा सामान सेट करके रखना है मुझे। तो गाइस जुम्मे की नमाज पढ़ के सारा काम करके घर की सफाई वगैरह करके मैं तो हो गई हूँ फ्री। दिल सारा था कुछ खाऊं, तो हमने मंगवाई हैं कचौरियाँ, तो कचौरियाँ खाते हैं, मज़ेदार लग रही हैं, काफ़ी गर्म गर्म आई हैं। ये देखिए मेरी कचौरियाँ आ गई हैं और यहाँ मेहमान भी आ गए हैं खाने के लिए, हम सब मेहमान हैं। और आयत अपना मोबाइल लेकर लेटी हुई है, ये देखिए क्या कर रही है, वहाँ लेटी हुई है। बालों में कंघा करवाने की बहुत बड़ी चोर है ये।
अब आयत मैं आपके बाल बहुत शॉर्ट कर दूंगी, सही है ना यार? Yes. अब इसके मैं बाल जो है ना बहुत शॉर्ट कर दूंगी क्योंकि ये पोनी नहीं बनवाती है। यही हल है इसका कि बस बालों को शॉर्ट कर दूं ताकि ये फिर बाल ना बन, वो अगर पोनी नहीं बनवाएगी तो फिर यही होगा। मुझे तो खुद बहुत पसंद है ये बबल्स। तो गाइस हम लोग तो रात के खाने से फारिग हो गए हैं। मैं चली गई थी थोड़ी सी देर बाजार, वहाँ से मुझे ट्राईपॉड लेना था और थोड़े से एक दो काम और थे तो बस उसके लिए मैं निकल गई थी बाहर। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बस समझ ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी निकालो कहाँ से, कहीं गाड़ियाँ निकलने की जगह ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बड़ी मुश्किल से हम एक 10 मिनट का रास्ता था जो हमने आधे घंटे में किया है। आपको पता है कराची के ट्रैफिक का हाल क्या है, बहुत ज़्यादा ही इतना ट्रैफिक है इतना ज़्यादा। बहरहाल अब घर पहुँच गए, खाना खाया, खाना खाने से फारिग हुए, बस किचन साफ करके आकर बैठी हूँ तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। बच्चे यहाँ पर अपना खेल रहे हैं, आयत पोयम लेकर बैठी हुई, आयत की पोयम की आवाज़ तो आ ही रही होगी हमेशा की तरह। मुझे तो आजकल टेंशन इस बात की है कि अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुए और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ईद की शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा कि मुझे तो उलझन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं पहले ही शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन जब तक रमज़ान में शॉपिंग ना हो कुछ मज़ा ही नहीं आता। कपड़े वगैरह तो ख़रीद लिए हैं, अब उनको टेलर को देना है। टेलर ने पहले ही मना कर दिया कि मुझे एंड टाइम पर नहीं देना कपड़े सीने के लिए। अब डिज़ाइनिंग के चक्करों में लगी हुई मैं सोच रही हूँ कि बस किसी तरह से कोई मेरे डिज़ाइन समझ आ जाए जो मैं फ़ौरन टेलर को भेज दूँ कपड़े बनने के लिए। कपड़े तो आए रखे हैं काफ़ी दिन से और अभी भी शॉपिंग की है,
बच्चों के तो एंड में मैं रमजान में ले ही लेती हूँ तो बच्चों का तो इतना मसला नहीं होता, उनके तो रेडीमेड ही लेने होते हैं, अपने स्टिच करवाने होते हैं मुझे, क्योंकि मुझे रेडीमेड कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, क्योंकि मुझे खुद डिज़ाइनिंग करने की आदत है कपड़ों की, तो इस वजह से भी। तो बस अब टेलर को भेजने हैं किसी भी दिन कपड़े, तो उनको तैयार करके रखने हैं, उनकी लेसें लेनी है, लेसों के बगैर और कोई डिज़ाइनिंग ना हो तो उसके बगैर मैं कपड़े ही नहीं पहनती। तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे सिलवाऊं कपड़े, अभी तो सोच रही हूँ डिज़ाइनिंग, और ये भी टेंशन है कि और ज़्यादा देर हो गई तो ऐसा ना हो कि वो टेलर ना ले कपड़े। तो यहाँ आयान साहब पढ़ रहे हैं। आयान क्या पढ़ रहे हो? बुक्स लेके बैठे हो अभी? चलो पढ़ो। आयत कहाँ है? ड्राइंग रूम में। आयु कहाँ है? आई तो कहीं नहीं है। हाँ, आवाज़ कहाँ से आ रही है इसकी? यहाँ भी नहीं है। ओ, यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? लेटी हुई हो? गाइस देखें, ये छोटा सा घर बनाती है अपना ना, यहाँ पर कोने में कहीं पर लेटती है, वहाँ पर अपना मोबाइल लेके कोया में सुनती है, वहाँ पर लेट कर ये समझती है मेरा छोटा सा मैंने घर बनाया है ये है। आयु क्या कर रही हो? गंदी बच्ची, क्या कर रही हो यहाँ अंदर, इतनी अंदर? चलो बाहर आओ, बाहर आओ। आयु गाइस देखा कैसे ये इस तरह से ना छोटा सा घर बनाती है अपना, अलग से बैठ जाती है कहीं कोने में ना, मैं इसको कह रही हूँ पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं इसका पता ही नहीं। ये अक्सर इस तरह करती है कि वो ना छोटा सा अपना वहाँ एक छोटे से कोने में कहीं जाकर बैठ के वो करती है। मैं भी इस तरह बचपन में किया करती थी कि बस जैसे कहीं एक ऐसी जगह पर जाकर बैठूं जहाँ पर कोई मुझे तंग ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे अपने टॉयस लेकर। पता नहीं क्यों बच्चों की अक्सर आदत है, माँ बाप पर ही जाती हैं, तो मुझे वो अपनी बातें याद आती हैं। मुझे भी यही था कि बस मैं छोटी सी कोई जगह हो अपनी मेरी जहाँ पर मैं अपने टॉयस रखूँ और मैं वहाँ खामोशी से वहाँ खेलती रहूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बस आज तो कोई टाइम गुजर नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रही हूँ अलमारियाँ साफ कर लूँ लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्यों आजकल मुझे जब रात में लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, और लेकिन इस टाइम पता नहीं क्यों मेरी आँखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। बस देखें ये कितना अच्छा लग रहा है मेरा मिरर, अभी रुके हैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको, लेकिन इसमें ही नज़र आ रहा है। वैसे तो मेरे पास ये वाली लाइट जो है वाइट भी है और ब्लू भी है और रेड भी है, लेकिन मुझे ये यहाँ पर इस जगह मुझे ब्लू ही अच्छी लग रही थी लाइट्स, तो फिर मैंने कहा यही ब्लू होनी चाहिए, ब्लू ही लगनी चाहिए। कैसी लग रही हैं पिक्चर में? तो बहुत ही खूबसूरत आ रही हैं ये। तो कल से इंशाल्लाह ताला मेरी डेली रूटीन वाली रूटीन शुरू हो जाएगी। सैलून जाना है, काफ़ी दिन दो दिन हो गए गए हुए तो मैं गई नहीं थी, तो सैलून भी जाना है। वहाँ पर तो टाइम पास हो ही जाता है क्योंकि वहाँ पर तो काम में ही लगे रहो, वहाँ तो फारिक बैठने का काम ही नहीं होता, तो फिर ये है कि थोड़ा सा दिल लग जाएगा, वरना घर में तो मैं अगर एक से दो दिन बैठ जाऊँ तो मुझे बोरियत होनी शुरू हो जाती है। घर में भी सारे काम भी हो गए, सोच रही थी कि अलमारी साफ कर लूँ, बच्चों की अलमारी फैल रही है, अलमारी साफ कर लूँ, लेकिन सोचा कि कपड़े पहले धो लूँ, उसके बाद ही जब वो कपड़े पूरे सूख जाएंगे तो फिर अलमारी साफ़ करूँगी। बच्चों की भी ख़राब हो रही है और मेरी भी अलमारी, में खुद ही साफ़ करती हूँ खुद ही ख़राब करती हूँ, तो बस यही है खुद ही निकालती हूँ। सारी से बातें अकेली हूँ करने वाली निकालने वाली, तो कोई और तो हाथ लगाता नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, सोचा कि कुछ पका लूँ। वहाँ पहले मैं ट्राईपोर्ट लेने के लिए गई थी मार्केट हस्बैंड के साथ में, तो वहाँ इतना ट्रैफिक था कि मैं जब से आई हूँ जब से मुझे मुस्तकिल सर में दर्द हो रहा, चाय भी पी ली फिर भी मेरे सर में दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ, तो जब से ही ऐसा हो रहा है। और फिर खाना खाया आने के बाद फिर किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करने के बाद टीवी देखा थोड़ी सी देर, सोचा थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन नींद नहीं आई। मैंने कहा और सर में दर्द शुरू ना हो जाए, इससे बेहतर है उठ जाओ, और रात में भी लेटूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, 4 से 5 बज जाते हैं, तहज्जुद पढ़ूंगी फिर फजर पढ़ूंगी उसके बाद ही कहीं जाके मैं सोऊंगी, कुछ समझ नींद नहीं आ रही होती। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक से नींद ही नहीं आ रही। दिल चाह रहा कोई नींद की टैबलेट खाऊं जिससे बहुत अच्छी सी नींद आए, जो नींद पूरी हो जाए
फिर मैं एक दिन जरा रिलैक्स रहूँ। अब नींद भी नहीं आ रही और रिलैक्स भी नहीं हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, आंखें ऐसी बंद बंद सी हो रही हैं। गाइस देखें अयान की राइटिंग, अयान दिखाओ, वाओ बहुत अच्छी राइटिंग है अयान की, ये देखें गाइस कितना अच्छा लिखा हुआ है। 3 क्लास में तो है ही है लेकिन इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। क्या लिख रहे हो अयान? राइटिंग कर रहे हो? कुछ पढ़ के भी बता दो हमें क्या लिख रहे हो। कैसे दिन? ये देखें कितना अच्छा बच्चा है, ये शाम को खुद ही अपनी बुक्स सब लेकर बैठ जाता है काम करने के लिए। वाह वाह वेरी गुड। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बहुत बोरियत हो रही है। अब ऐसा करूंगी कि लेट ही जाऊंगी, टीवी देख लूंगी, बस यही करूंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।